पंचकुला में हुए दंगों के मामले में हनीप्रीत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंचकुला दंगों में दर्ज FIR नंबर 345 में हनीप्रीत को जमानत दी गई है। पंचकुला से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पंचकुला में दंगा आरोपी जो मुख्य आरोपी हनीप्रीत उसे जमानत दे दी गई है। जी हाँ, बड़ा झटका हरियाणा पुलिस की जांच को है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है RS चौहान, जो उनके वकील है। चौहान साहब, आज कोर्ट में क्या कुछ रहा? आज कोर्ट से हनीप्रीत जी की तरफ से बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी, जो मंजूर कर ली गई है, क्योंकि जो ऑफेंसेस उनके ऊपर अभी लगे हुए थे वो सभी अवेलेबल हैं, और जो नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस थे वो सेशन कोर्ट द्वारा हटा दी गई। कितने बेल बॉन्ड कितना फॉर्मेलिटी रही है और क्या बाहर आ जाएगी? 1,00,000 रुपए के 2 बेल बॉन्ड भरे गए हैं और आज शाम तक उनको जेल से रिहा कर दिया। लगातार 2.25 साल से वो जेल में बंद थी, इससे पहले हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी थी, आपके द्वारा आज कोर्ट में क्या दलील रखी गई? हाईकोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन लगी उस समय उनके पास 121 और 126 धारें लगी हुई थी, जो अब हटा दी गई है, जिस कारण से आज यहाँ कोर्ट उनकी बेल मंजूर कर। तो ये है हमारे साथ, उन्होंने बताया RS चौहान जी ने कि किस तरह से जो अवेलेबल ऑफेंस है उसकी दलील इनके द्वारा आज कोर्ट में रखी गई और आखिरकार हनीप्रीत को बड़ी राहत आज कोर्ट द्वारा दी गई है। वहीं बड़ा सवाल हरियाणा पुलिस की जांच पर भी खड़ा हो रहा है, उनके द्वारा कमजोर जिस तरह से उनकी जांच पड़ती जा रही है, और वहीं इस दंगे मामले में आरोपी लगातार जेल से बाहर आ रहे हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ उमंग शरण।